पहला करंथिया 6:1-11। हाँ जी। की तुहाडे विचों किसी दा ए हिहाओ पैदा है जो दूजे नाल मुकदमा रख के नबेड़े लई कुधर्मियां कोल जावे अते संतां कोल ना। की तुसी नहीं जानदे कि संत जन जगत दा न्याय करनगे अते जे जगत दा न्याय तो हाथ होना है ता भला तुसी छोटियां तो छोटियां गल्लां दा नबेड़ा करन दे योग नहीं हो। की तुसी नहीं जानदे जो असी दूतां दा न्याय करांगे फिर किन्ना किन्ना वाद के संसारी गल्लां दा उपरंत जे तुहानू संसारी गल्लां दा नबेड़ा करना पैंदा है ता जेड़े कलीसिया विच तुश गिने जांदे हन भला तुसी उन्हां नू ठहराओ ठहराउंदे हो। मैं तुहानू लज्जावान करन लई ए आखदा हां कि तुहाडे विच एक भी एना बुद्धवान नहीं जो अपने भरावां दा मुकदमा नबेड़ सके। सारे बोला ले लिया। इत्थे की लिखिया है? इत्थे परमेश्वर दा वचन की दस रहा है? मतलब की है जे तुहाडे कोल फैसला नहीं हुंदा तो परमेश्वर दे लोकां दे कोल जाओ, परमेश्वर दे जिहड़े संत जन ने उहनां नूं फैसला दिओ, उह तुहाडा फैसला करदे। लिखिया है परमेश्वर दे जिहड़े संत जन ने उह दूतां दा न्याय करनगे। समझ लग रही है की लिखिया? ध्यान नाल सुणो कि तुसीं नहीं जाणदे जो असीं दूतां दा न्याय करांगे फिर कितना वध के संसारी गल्लां दा। पता है ना, बहुत सारे तो पता ही कोई नहीं। असि परमेश्वर दे जाना साडे अगे तुसी सुनिया है कि स्वर्ग दूत साडे ते राज करनगे, पर ए वचन विच लिखिया तुसी दूतां दा न्याय करोगे, स्वर्ग दूतां दा तुसी न्याय करोगे। लिखिया कि नहीं लिखिया? कौन करनगे? ओ करनगे जिहड़े परमेश्वर दी आत्मा द्वारा चलदे ने। लिखिया जे साडा फैसला ना होए तां असि संत जन नूं फैसला देंगे, असि उहनूं कहांगे। लिखिया है कि की लिखा है? जो अपने भरावां दा मुकदमा नबेड़ सके। कहिंदा तुहाडे कोल इतनी समझ नहीं गई तुसी परिवार दा घर दे विच फैसला नबेड़ सको, तुहानूं इतनी बुद्ध नहीं गई। लिखिया इतनी समझ नहीं गई तुसी दूजा दा न्याय करदे जे तुसी अपना नहीं कर सकदे, पर तुहानूं नहीं पता जिहड़े परमेश्वर दे लोक ने ओह दूतां दा न्याय करनगे, दूतां दा स्वर्ग दूतां दा न्याय करांगे। जे असे परमेश्वर दे लोक आ, जे असे पवित्र आत्मा द्वारा चलदे आ, परमेश्वर दी मर्जी मुताबक चलदे आ, फिर असी दूतां दा न्याय करांगे, नहीं तां दूत साडा न्याय करनगे। समझ लग रही है? ये पता परमेश्वर उस टाइम वेखेगा कौन अड़े ते खड़े रहिंदे ने दुख दे समय दे विच। बहुत सारे नूं पता है जदों पेपर हुंदे ने और टेस्ट हुंदे ने, टेस्ट विच पास हुंदे आ तां ही अगली क्लास विच जांदे आ, और टेस्ट जदों फेल हो जांदे आ फिर ओही क्लास विच। सारे बोला ले लिया। मतलब कि साडी सोच उत्थे ही है कि असीं परमेश्वर दे विच पास तां हो गए पर सानू डर जा लगी जांदा असी स्वर्ग जावांगे कि नहीं जावांगे। असी आस रखनी है असी स्वर्ग जावांगे, असी स्वर्ग जावांगे, असी स्वर्ग दे लई ठहराए गए आ, असी पवित्र लोक आ, असी यीशु मसीह दे आत्मा द्वारा चलांगे, असी पवित्र आत्मा दे नौ फल नूं पैदा करांगे, आत्मा दे नौ फल होणगे, परमेश्वर दे स्वर्ग दे विच तुसी मौजूद होगे। जोर दी तारीफ करो। जे आत्मा दे नौ फल होणगे तां ते आत्मा दा इक फल होया फिर बई स्वर्ग दे विच देख लो किदा नौ फल पैदा करने ने। समझ लग रही है? व्याह ते जाइए ना ते फल फ्रूट लगे होने, केले पए होने, सेब, अंगूर, होर बड़ा कुछ होंदा है, सारे फल जे इकट्ठे कर लैंदे आ भी पा दईए थोड़े जे, मौसमी जी पा दे ते आ भी पा लै थोड़ी जी, सारे फल जे पा लै। समझ लग रही? अनानास जी पा लै ते आ भी काले अंगूर ते चिट्टे अंगूर ते रत्ते जिवें अंगूर। समझ लग रही? संतरा भी पाल, मतीरा भी, चल मतीरा भी दो टकरे च रख लै। समझ लग रही है? असि वह फल तो सारे ही खाण नूं तैयार आ, पर जिहड़े आत्मा दे फल ने वह साडे विच किन्ने ने? समझ लग रही है? किन्नू भी पा लै, माल्टा भी पा लै, मतलब इको ही होंदा है। सारे बोला ले लिया। हाँ, फल तो इको ही मालता हो गया जा किन्नू हो गया, पर ए आत्मा दे नौ फल ने, नौ फल असी पैदा करने। जे दूजे फल खाना जानते हैं
एक होर फ्रूट जाया ड्रैगन फ्रूट मैं थोड़ी देखे सारे बला ले लिया महंगे तो महंगे फल ने पर ये किन्ने महंगे ने सारे बला ले लिया नंद आ रहा है और खुशी आ रही है हाँ हाँ जी सगो प्रा प्रा उत्ते नालिश करता है सो वी पे प्रतित्या ने अगे और ता तोड़े वेच एक वड़ा काटा है कि तुसी एक दूजे उत्ते मुकदमा बनाउंदे हो तुसी सगो कुन्याओ क्यों नहीं सहार लेंदे तुसी सगो ठगाई क्यों नहीं खांदे पर तुसी आपे कुन्याओ आते ठगी करदे हो सो भी अपने परामा नाल अथवा तुसी नहीं जानदे जो कुधर्मी लोग परमेश्वर दे राज दे अधिकारी नहीं होंगे धोखा ना खाओ ना हरामकार ना मूर्ति पूजक ना जनाकार ना जनानड़े ना मुंडेबाज ना चोर ना लोभी ना शराबी ना गाला कटन वाले ना लुटेरे परमेश्वर दे राज दे अधिकारी होंगे अते तोड़े विच्चों कई एहो जे सन पर प्रभु यीशु मसीह दे नाम तो अते साडे परमेश्वर दे आत्मा तो तुसी तोते गए अते तुसी पवित्र कीते गए अते तुसी धर्मी ठहराए गए सारे बला ले लिया एते की लिखया है लिखया है तुसी कन्याओ करदे जे तुसी सही तरीके नाल न्याय नहीं करदे जे तुसी फर्क रख जांदे हो भरावां नाल फर्क रख जांदे हो कन्याओ करदे जे पूरी तरह न्याय नहीं करते लिखे परमेश्वर दे राज अधिकारी कौन नहीं होंगे ना चोर की लिखे धोखा ना खाओ ना हराम करना मूर्ति पूजक ना जना करना जनानड़े ना मुंडेबाज इत जनानड़े समझ लग रही की लिखे मूर्ति पूजक करने वाले वो परमेश्वर दे राज विच नहीं जान गए ना जनानड़े मतलब वालियां जी कन्ना विच पा दे उन जनानड़े कहंदे आ ना मुंडेबाज मतलब कुड़ियां जीना पा लैंदियां ने पांदियां ने कि इन मुंडेबाज कहंदे आ ए वचन च लिखा है ए परमेश्वर दे राज विच नहीं जान गए ना चोर ना लोभी ना शराबी ना गाला कड्ढण वाले परमेश्वर दे राज दे अधिकारी होणगे पर तुहाडे विच कई परमेश्वर दे की लिखा है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਧੋਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੱਕ ਲੈ ਨੇ समझ लग रही है साडे पाप परमेश्वर ने टक्के हुए ने दोबारा वेखना नहीं चाहता पर असीं फिर भी मूर्ति पूजक कीती जांदे आ जे साडा कोई रिश्तेदार कहिंदा है प्रोग्राम है आओ मत्था टेको ते असीं फिर टेक लैंदे समझ लग रही है असीं फिर भी असीं परमेश्वर दे लोक होते वे गलती फिर भी कर बैठदे आ फिर परमेश्वर दे राज दे अधिकारी नहीं होवांगे असी मत्था नहीं टेकांगे असी उन्हां दी मर्जी पूरी नहीं करांगे असी परमेश्वर दी मर्जी नूं पूरा करांगे चाहे सानूं बेइज्जत होना पवे चाहे लोक सानूं ठुकरा देण चाहे सानूं तुच्छ जाण आए जस्सू वाले वड्डे जस्सू मस्सू सारे बुला ले लिया कई देवे कहिंदे जस्सू वाले तां वखरे ही चलदे ने समझ लग रही वखरे ही तां